परम सम्मानित हरियाणा के भविष्य माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारी पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयवान जी, हरियाणा की राजनीति के उदयमान नक्षत्र माननीय सांसद मेंबर CWC श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मंच पर उपस्थित हरियाणा के सभी माननीय विधायकगण, आदरणीय पूर्व विधायकगण, मंच पर उपस्थित हरियाणा की कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागण और इस सभा में उपस्थित आदरणीय कार्यकर्ता साथियों, देवियों एवं सज्जनों, ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुझे आपके बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का सुअवसर मिला। मैं भाई सुभाष गांगोली जी को, जो यहां से सम्मानित विधायक, अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं कि विशाल जनसमूह पैदा करके आपने जिस प्रकार से हुड्डा साहब का स्वागत किया है, यह आने वाले कल के भविष्य की ओर इशारा कर रहा है। आदरणीय साथियों, मुझसे पूछा गया था, पंडित जी आपका हल्का तो गन्नौर है, सफीदों क्या करने जा रहे हो? मैं कहा सफीदों ऐतिहासिक भूमि है, नाग छत्र की भूमि है और हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी से अपना पिंड छुटाने की कोशिश कर रही है। सफीदों की जनता के इस यज्ञ में आहुति देने के लिए जा रहा हूं। बड़े घमंड में है भारतीय जनता पार्टी, तीन प्रदेशों में हमारी सरकार बन गई। मैं कल सिरसा गया था, हुड्डा साहब की रैली थी, कांग्रेस की रैली थी। मैंने अपने जीवन में सिरसा में सुना है वहां पर चौधरी देवीलाल की कर्म भूमि है। मैंने इतना बड़ा जनसलाब, इतना सिरों का समंदर, लाखों की भीड़ अपने जीवन में सिरसा में कभी होती नहीं देखी। ये आने वाले कल की ओर इशारा हो रहा है। और आज अगर सफीदों की बात करें, छोटा सा शहर है तो महत्वपूर्ण, हरियाणा की राजनीति में अपना स्थान रखता है। आज मैं देख रहा हूं सफीदों भी हरियाणा के लोगों को, देश के लोगों को यह बताना चाह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों, किसी भ्रम में न रहना, हरियाणा की जनता अपना मन बना चुकी है। हरियाणा के अंदर परिवर्तन की आंधी इस जनसमूह के रूप में आपके बीच में आई। सुभाष गांगोली जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी आए, कहीं मेडिकल कॉलेज की घोषणा कर दी, कहीं कॉलेज की, कहीं पॉलिटेक्निक की, अनेकों योजनाएं, 33,000 करोड़ की योजनाएं जींद के लिए बनाई, कहीं कोई ईंट लगी देखी है, कहीं कुछ बना देखा है? एक बार एक परमात्मा ने कहा, वैज्ञानिकों आओ, सारे इकट्ठे हो जाओ, भाई ध्यान से सुनना, ये ब्राह्मण की वाणी है, घर जाओगे जब समझ में आएगी मैं क्या कह रहा हूं। भगवान ने कहा वैज्ञानिकों ऐसी मशीन बनाओ कि जो कोई झूठ बोले तो एकदम टन बोले, घंटी की आवाज आए। मशीन बना के ले आए वैज्ञानिक, पांच चार झूठों को बुलाया गया, झूठ बोलते ही मशीन ने टन शुरू कर दिया, जो झूठ बोले टन,
लेकिन अचानक मशीन टन 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 करती रही। वैज्ञानिकों को बुलाया, मशीन खराब हो गई, चेक किया मशीन ठीक है, फिर ये टन 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 बार बार क्यों करी है? कहते खट्टर साहब का भाषण शुरू हो गया, अब ये बंद नहीं होगी, ना उनकी झूठ खत्म होगी ना ये मशीन बंद होगी। अरे माननीय मित्रों, मुख्यमंत्री का पद 10 साल के लिए आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सिर पर ये ताज रखा था, हरियाणा की शक्ल बदल दी, हरियाणा में पावर प्लांट्स लगे, हरियाणा के किसान का भाग्य बदला, हरियाणा के नौजवान का भाग्य बदला, हरियाणा के एथलीट्स खिलाड़ियों का भाग्य बदला। आज जिन खिलाड़ियों को, जिन हमारी लड़कियों को सड़कों पर घसीट रहे हैं ये लोग, 700 से ज्यादा नौकरी देने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके बीच में बैठे हैं, खिलाड़ियों का सम्मान आज हुड्डा जी क्यों जरूरी है, इस बात पर विचार करना, ऐसी वोट मत देना। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, ये गाना एक पुराना गाना है, जो कही गई ना मुझसे वो जमाना कह रहा है, मैं कहूं ना कहूं यारो सारा हरियाणा कह रहा है। क्या जरूरी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 10 साल से नरगिस अपनी बेनूरी पे रो रही, हरियाणा का नौजवान रो रहा है, नौकरी नहीं, अपने वतन को छोड़कर, अपनी धरती को छोड़कर विदेशों में नौकरियां ढूंढ रहे हैं, डंकी के माम करोड़ों खर्च करके जा रहे हैं, हिंदुस्तान में रहने के लिए हरियाणा में नौकरी नहीं। हरियाणा के किसान इसलिए ढूंढ रहा है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के याद को, क्या जरूरी है, क्योंकि हरियाणा के किसान को अपने बाजरे की, अपने सरसों की, अपने जीरी और गेहूं की कीमत चाहिए, हरियाणा के किसान को सस्ती बिजली चाहिए, हरियाणा के किसान को सस्ती खाद चाहिए, लेकिन जब खाद का टाइम आता खाद नहीं, बिजली का टाइम आता बिजली नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 4-4 कारखाने लगाए, हरियाणा के किसान के खेत को सूखने नहीं दिया, इसलिए किसान कह रहा है कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, एक बार फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को याद कर रहा है। हरियाणा का व्यापारी आज जीएसटी से परेशान है, उसकी जेब पर अफसरों की नजर है, भ्रष्टाचार से ग्रस्त है, तहसीलों थानों में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है, लूटा जा रहा है, हरियाणा के व्यापारी को धमकाया जा रहा है, ईडी और सीबीआई दिखाई दे रही है। वो हरियाणा का व्यापारी स्वतंत्र होना चाहता है, इसलिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज को याद करता है, जब गुंडों को जेल के अंदर बंद करके गोली तो मार दी गई, लेकिन हरियाणा के व्यापारी को परेशान नहीं होने दिया। आज हरियाणा का गरीब वर्ग क्यों कह रहा है हुड्डा को लाओ, हरियाणा को बचाओ, क्योंकि हरियाणा का वाल्मीकि जानता है, जैसे बलबीर कह रहे थे कि एक कलम से अगर 11,000 वाल्मीकियों को नौकरी देने वाले का किसी का गुर्दा हो सकता है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हो सकता है। इसलिए वाल्मीकियों को भी, क्योंकि हमने तो 50,000 और लगाने, सरकार आएगी 11,000 से काम नहीं चलना, हुड्डा साहब आपकी कलम में शाही भरने का काम ये लोग करेंगे, इन गरीबों का एक बार फिर कलम चला देना। इसलिए वाल्मीकि कह रहे हैं, देश का हरिजन वर्ग कह रहा है कि 4 ग्रंथ हैं देश में, बाइबल है, गीता है, गुरु ग्रंथ साहब है, लेकिन एक देश का ग्रंथ और है जो आजादी के परवानों ने अपनी कलम से लिखा था, बाबा भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ ग्रंथ, भारत का संविधान जिससे देश चलता है, उस संविधान को बदलने की तैयारी, उस संविधान को मारने की, उसका गला घोटने की तैयारी, देश में लोकतंत्र की हत्या करने की तैयारी, बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम मिटाने की तैयारी ये लोग कर रहे हैं, आरक्षण को समाप्त करने की योजनाएं बन रही हैं। इसलिए हरिजन कहते हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लाओ,
मैं किसकी बात करूं। बहुत लोगों ने बोलना है, इसलिए बहुत विस्तार से नहीं कहूंगा। लेकिन मित्रों, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी मशीन में बनकर नहीं आएंगे। इनको बनाने की ताकत आपके हाथों में है। यहां रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होते, यह मक्खों की पेटी और मशीनों से आप जब बटन दबाते हैं तो आप हरियाणा के भाग्य का, हरियाणा के मुख्यमंत्री का फैसला करते हैं। कोई कह रहा है हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई मैं कह रहा हूं, कोई और कह रहा है। अरे छोड़ो हम मंच पर खड़े होने वालों की बात, यहां तो कोई किसी को बनाएगा, कोई किसी को बनाएगा, लेकिन बनाना तो आपने है, वोट तो आपकी है, लोकतंत्र में ताकत आपकी है। आपसे पूछता हूं, यहां से लेकर और आखिरी कोने तक पूछता हूं, बोलो आप किसको बनाना चाहते हैं? ये पंचायत के फैसले हैं हुड्डा साहब, ये जनता की आवाज है, इसको दबाया नहीं जा सकता। ईवीएम की मशीनों में कैद होकर आप कितने दिन सरकार चला लोगे? ये भारत जाग उठा है। जननायक जनता पार्टी बनाई, चाबी का निशान ले लिया, लेकिन वो चाबी काम आ गई भारतीय जनता पार्टी और खट्टर साहब के साथ। खुद तो राज में बैठ गए, दादा को तुम तड़प रहे कि सारे महकमे इनके पास। और एक ये युवा जो आपके बीच में रहकर आपकी सेवा करना चाहता है। इसलिए साथियों, दीपेंद्र हुड्डा असल में अगर यूथ आइकन कोई हरियाणा में है, वो हुड्डा साहब के बेटे दीपेंद्र। अंत में एक अकल समझ की बात जो मुझे समझ में आती है, एक तो ये गाना किसी के समझ में नहीं आता, एक बात मुझे समझ में आ रही है, भाई सफेदों के लोगों, ये जो कई लोग घूम रहे हैं, दान धर्म करते, ये आपके शुभचिंतक नहीं है, ये वोट काटू है, वोट काटू, ये वोट काटना चाहते हैं, वोट बांटना चाहते हैं। आजाद आदमी का कोई भविष्य नहीं। पार्टी के साथ लगो, हुड्डा साहब के साथ लगो, कांग्रेस के साथ लगो, आजाद आदमी का कोई भविष्य नहीं हुआ करता। चीफ मिनिस्टर पूछे ना पूछे, पहले आपने बना के देख लिए, इसलिए आप तिरंगे को हाथ में थामो, हुड्डा साहब के, उदयभान जी के हाथ में हाथ डालकर मजबूती दीजिए। और ये इतनी संख्या में मेरी बहनें आई हैं, मेरी इतनी बहनें हैं, गांगोली जी जहां आप इधर लोकप्रिय हैं उधर भी हैं। अरे मेरी बहनों, अरे बजाओ ताली, तुम्हारी बहन तो एक धागा बांध देना, धागा भगवान राम के बांधा था, लंका को जीत के आया था। इसलिए बहनों, जीत का धागा अपने भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में बांधोगी, राखी का आपका किराया इसी ने माफ किया था, फ्री में बस में बैठ के जाया करती थी। तो मेरी बहनों बताओ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे हाथ पे राज की राखी बांधोगी कि नहीं बांधोगी? ये तो सारी खड़ी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।